अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं न्यू शाहीन मोबाइल चैनल्स। न्यू शाहीन मोबाइल चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप को जो है मिल जाए। और नई अपडेट आई है निक टीम के जो है उसने यूनिसोप जो है मॉड्यूल 2.2.3 न्यू, इसमें स्कूटी जो है एडिट है, इसको हम यस करते हैं। ये देखें इसमें एवेंजर बॉस की जो मैंने इसमें दी है और नेक ने भी, तो हम हमारे पास एवेंजर है तो एवेंजर पे हम जो है इसको चेक लगाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। ये सामने आपके है तो ये इसका ये देखो इंटरफेस है। ये उसको तो जो है एसपीडी जो है उसके है इसमें चिप में, और इसमें जो है एडिड न्यू फ्लैश प्रोटोकॉल जो है टू सपोर्ट न्यू एसपीडी, जो एसपीडी डिवाइस है उनके लिए है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, और इसमें जो एड रीड फ्रेमवेयर और फोन जो है सपोर्टेड है इसमें, और इसमें लोडर जो है सपोर्टेड दिस फीचर है, इसमें फीचर भी ऐड किए गए हैं। विल शो जो है रीड फ्रेमवेयर इन सेलेक्ट जो सिलेक्शन है मेन्यू इसमें है सिलेक्शन में, और इसमें अपडेट जो राइट बैकअप है फ्रेमवेयर फॉर सपोर्टेड फोन अपडेट, जो कस्टम लोडर जो है उसके इसमें फंक्शन है, और ऐड इसमें जो है काफ़ी सारी नई चीज़ें इसमें कुछ कही गई हैं। इसमें आप इसमें जो है जो इसमें एडिट नहीं की गई हैं वो आप इसमें से अरेज यूजर डाटा भी कर सकते हैं इसमें, और जो है इसमें जो है अनलॉक फोन इन डेव मोड भी आप कर सकते हैं फिक्स, और जो इसमें से ये है जो फिक्स है राइट एसन इन डैग मोड फॉर सपोर्टेड फोन जो है इसमें है, और इम्प्रूव जो इसमें किया है इन्होंने राइट आईएमई इन डैग मोड फॉर जो है सपोर्टेड फोन जो है इसमें है, इम्प्रूव बैकअप रिस्टोर एंड वी रैम और फंक्शन फॉर सपोर्ट मोड जो है, और इसमें जो न्यू प्रोटोकॉल है और इसमें ऐड किया गया है यूज न्यू प्रोटोकॉल जो, तो इसमें जो है ओल्ड यूजर इसमें नॉट सपोर्ट विल यूज ओल्ड, और इसमें जो है सम न्यू जो मॉडल्स इसमें हैं फोन के नॉट अलाउड टू यूज़ ओल्ड प्रोटोकॉल एनी मोर, तो इसमें अपडेट रोल ऑफ फोन जो है लोडर्स डाटाबेस इसमें ऐड है। तो इसमें आगे चलते हैं देखते हैं, ये देखें इसमें जो सीपीयू न्यू ऐड किए गए हैं इसमें वो इसमें जो है एस सी जो है 7031 ई है, और इसमें एस सी 9820 ई भी है, इसमें एस सी 9832 ई है, इसमें एस सी एस 9863 ए भी है इसमें है, और जो टाइगर इसमें जो है ये मॉडल दिए गए हैं ये भी इसमें ऐड हैं, ये तकरीबन 5 इसमें हैं। तो इसके बाद सपोर्टेड फीचर जो है इसमें एस पी डी जो इसका टूल है उसमें ये रिमूव एफ आर पी बैकअप रिस्टोर एंड वी रैम जो है
और बैकअप रीड फर्मवेयर भी है इसमें, राइट फर्मवेयर भी है, और इसमें रीसेट जो है यूज़र डेटाबेस में ऐड है जो नई अपडेट आई है। आप जो है इसमें से इधर जो है राइट भी कर सकते हैं, राइट सीरियल जो है वो भी कर सकते हैं रिपेयर, राइट ब्लूटूथ जो है वो भी, और राइट वाईफाई भी। और इसमें कोई जो इसमें फंक्शन दिए गए हैं वो पार जो है सिम लॉक सपोर्टेड जो है वो इसमें है, और यहाँ पर ये देखें ये लिखा हुआ है इसमें पार नो सपोर्टेड पार दिस लोडर्स, जो वर्जन और सिम लॉक है वो 2-3 जो है 5-6 वो शायद इसमें अब इसका करके देखना पड़ेगा। इसके बाद जो है सपोर्ट फॉर वर्जन 4 ऑफ जो है इसमें सिम लॉक इसमें है, यूनिवर्सल लोडर ऐड है इसमें, इसको भी इसमें अपडेट किया गया है, इन्हें कमिंग जो है अपडेट इसमें है, और इसमें सिम लॉक जो है यूनिवर्सल लोडर जो है उसको भी इसमें ऐड किया गया है इसमें। और इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा, तो इसमें ये देखें यहाँ पर जो है इसमें सैमसंग के जो फ़ोन हैं उसको ऐड किया गया है, बूट इन्फो आप कर सकते हैं, फैक्ट्री सेट कर सकते हैं, बैकअप जो है इसका वो ले सकते हैं, रिस्टोर सिक्योरिटी जो एनवेयर रैम है वो ले सकते हैं, फायर भी रिमूव कर सकते हैं। इसमें सैमसंग के 3 मॉडल हैं, SM A032M गलेक्सी A03 कोर जो है ऑल बिट जो है, और इसमें सैमसंग SM A35G है इसमें गलेक्सी A03 ऑल बिट ये भी, और सैमसंग SM A035M जो गलेक्सी है A03 ऑल बिट्स जो है इसमें है। इसमें जो है आप जो मॉडल हैं वो जो लिस्टेड हैं वो इसमें जो है आप इसमें टेस्ट पिन के ज़रिए जो है आप फ़ोन को जो है अनलॉक भी कर सकते हैं, ये जो टोटल दिया हुआ है FRP वगैरह वो कर सकते हैं। और नोकिया के इसमें कुछ मॉडल जो दिए गए हैं उसमें भी बूट इन्फो फैक्ट्री सेट बैकअप रिस्टोर सिक्योरिटी जो इसकी है उसको भी आप कर सकते हैं, NVRAM FRP रिमूव कर सकते हैं। इसमें से नोकिया C1 है, नोकिया C1 Plus भी है, नोकिया जो है इसमें वो C1 सेकंड एडिशन भी इसमें है, और इसमें नोकिया C2 हो गया, C3 हो गया, नोकिया C10 C20 C20 प्लस भी है इसमें, और नोकिया C21 सी इसमें नोकिया C30 है, C31 है, C01 भी है, C20 भी है, और नोकिया T10T जो 20T21। तो नोकिया G11 उसके बाद नोकिया G21 इसमें है, आप इनको भी टेस्ट फोन के ज़रिए कर सकते हैं आप इसको। तो ये तो बाकी हम जैसे को फ़ोन आएंगे नोकिया के तो फिर मज़ीद जो है हम उसको चेक करेंगे। ये टेक्नो के जो मॉडल इसमें दिए गए हैं उनमें भी इसकी अपडेट आई है, इसमें ऐड किया गया है, आप उसको बूट इन्फो कर सकते हैं, फैक्ट्री सेट कर सकते हैं, जो बैकअप है रीस्टोर सिक्योरिटी वो भी NVRAM वो भी कर सकते हैं इसमें, सिम लॉक और रिपेयर चेंज इमी राइट सीरियल नंबर और राइट जो है ब्लूटूथ, और इसमें जो राइट जो है वाईफाई इसमें ऐड किया गया है। टेक्नो के 3 मॉडल है इसमें, टेक्नो पॉप जो है 5 को जो है BT1 है, और इसमें जो है टेक्नो जो है इसमें वो पॉप जो है वो 5 है, जो लाइट है LTE है BT4 इसमें, ये मॉडल इसमें ऐड है, और इसमें टेक्नो I10C के जो है इसमें
15 की है इसमें, और हॉनर के जो इसमें तीन दो मॉडल दिए गए हैं उसमें भी बूट इन्फो और फैक्ट्री सेट बैकअप रिस्टोर सिक्योरिटी एन एम आई रैम एफ आर पी सिम लॉक और बेयर चेंजिंग भी, और इसमें जो है राइट सीरियल नंबर इज राइट, ब्लूटूथ वाईफाई जो इसमें राइट कर सकते हैं आप इसमें एडिट हैं, और दो मॉडल दे गए हॉनर प्ले जो है उसमें 20 जो है मॉडल है और हॉनर जो है प्ले 5T है। और इसके बाद इसमें रियलमी के मॉडल है, इसमें भी बुक इन्फो फैक्ट्री सेट बैकअप रिस्टोर सिक्योरिटी एन वी रैम एफ आर पी सिम लॉक रिपेयर चेंज मी और राइट सीरियल नंबर राइट ब्लूटूथ राइट, इसमें वाईफाई आप कर सकते हैं इन जो फ़ोनों में दिया गया है। इसमें रियलमी C21Y है, रियलमी C25Y है, रियलमी सी जो 30S है, RMX जो इसमें है 3690 है, इसमें रियलमी इसमें C31 भी है, रियलमी इसमें जो है वो इसमें जो है 50 IB प्राइम भी है, और रियलमी C30 और C33 C35 इसमें रियलमी पैड जो है इसमें मिनी जो है RMP 2105 इसमें ऐड है। और इसी तरह इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें से जो है आप इसमें से चाहे जी ड्राइव में जाएं वहां से डाउनलोड करें इसका वर्जन, या इसमें से तो मैं जाऊंगा मीडिया फायर से, इसको हम क्लिक करेंगे तो इसमें हम ये देखें 114 MB का ये सेटअप है। हम इसको ओके करते हैं यहाँ से क्योंकि हमने इसको डाउनलोड करना है, तो ये भी ये देखें ये डाउनलोड हो जाएगा, तो अभी ये देखें ये डाउनलोड हो जाएगा अभी। दोस्तों ये जो UMT प्रो है, तो प्रो में दो हैं, प्रो इसलिए है कि एक UMT इसमें शामिल है और एक इसमें एवेंजर बॉक्स इसमें शामिल है, दोनों एक डिवाइस पे जो है ना इनकी एक्टिवेशन हो जाती है। ये भी अच्छा टूल है एवेंजर बॉक्स जो है, ये भी अब इसकी ज़बरदस्त अपडेट आ रही है और UMT की भी अच्छी अपडेट आ रही है इसमें, जैसे आजकल आईफोन की जो है इसमें अपडेट आई हुई है UMT में, तो बहुत ही ज़बरदस्त टूल है ये। क्योंकि अगर आप प्रो लेंगे तो प्रो में दो टूल होंगे, एक एवेंजर बॉक्स और UMT, तो इस तरह ये UMT प्रो इसको कहते हैं, एक्टिवेशन इसके रहता है दोनों टूलों की, और दोनों टूल ज़बरदस्त हैं, आप इसमें काम कर सकते हैं। वैसे CM2 भी बहुत ज़बरदस्त बॉक्स है, EFT भी हो गया, बाकी काफ़ी सारे टूल हैं अच्छे हैं वो, आप अगर आपके पास काम वगैरह है तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन ये भी रिन्यू करवानी पड़ती है क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम लेंगे तो एक साल के लिए चलेगी, उसके बाद ये क्लोज़ हो जाएगी, फिर आप इसका जो है UMT और एवेंजर जो है क्लोज़ हो जाते हैं जब तक आप इसको रिन्यू नहीं करवाएंगे। CM2 चलती रहती है वैसे, EFT भी जो है वो भी जो है ऑनलाइन है। ये देखिए हमारा जो ये जो हमने नया सेटअप डाउनलोड किया है ये अब हो गया है, और इसको हम ओपन करते हैं, इसको देखते हैं, अब हम इसको अब क्लोज कर देते हैं और इसको हम देखते हैं। दोस्तों एक हमारा दूसरा चैनल है NewGSM सही चैनल, तो उसको भी सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि वीडियो अच्छी अच्छी वीडियो हम बनाते रहते हैं, न्यू शाइन मोबाइल्स भी और NewGSM सही भी, तो इन दोनों को चैनलों को जो है सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस ज़रूर करें क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो हम बनाते रहते हैं। अभी ये ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, तो हम इसको यहाँ से जो है ना इसका जो डाउनलोड है वहाँ से आ गया है, ये ओपन हो गया है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। जो एवेंजर बॉक्स का नया सेटअप आया है ये ओपन हो गया है 2.2.3, ये देखें ये हमारा जो गेस करेंगे
और फिर नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे इसको। दोस्तों वैसे टूल तो सारे अच्छे हैं लेकिन अपडेट जो है वो तकरीबन सारों की आ रही है। ये देखें, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। अब हम इसको देखेंगे, अभी ये ऑन होगा। नहीं तो हम इसको, उम्मीद है कि ये ऑन होगा, अगर नहीं होगा तो फिर इसको हम करते हैं ऑन। ये देखें, इसको हम ऑन करते हैं, शायद ये ऑन ना हो तो हम इसको ऑन। 2.2.3 यूनिसोक का जो SPD है मॉड्यूल, नया वर्जन इसका है। ये देखें दोस्तों, इसमें ये जो है एवेंजर यूनिसोक जो है मॉड्यूल 2.2.3 इसमें आया है। और ये देखें, इसमें अब हम इसमें चेक कर सकते हैं यहाँ से कि इसमें से कौन कौन से जो है, मैंने जो आपको पहले दिखाया है, हम जाते हैं पहले जो पहले पहले आएगा वो है, इसमें हम इसको चेक कर लेते हैं एच में। अगर एच में देखते हैं तो वहाँ है, तो नहीं तो ये देखें अभी इधर हवावे के इसमें कुछ मॉडल दिए गए हैं, तो हवावे का भी ये देखें, मैं इसमें चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसके जो कंपनियाँ दी गई हैं, नोकिया है, दूसरे इस तरह हैं काफ़ी सारे, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं इसको। ये देखें, मैं इसको नोकिया को चेक करता हूँ। ये देखें दोस्तों, जो नोकिया के इसमें मॉडल दिए गए हैं, ये देखिए अभी अपडेट है, अच्छी अपडेट है इसमें। देखें पहले ये तकरीबन यहाँ तक मॉडल थे, 105 से 3310 तक टीए जो 10.22 है, यहाँ तक थे। अब इसमें इजाफा कर दिया गया है, ये देखें काफ़ी अच्छी अपडेट है इसकी। और आप इसमें से जो है इसके जो है स्कूटी रिपेयर कर सकते हैं। ये देखें, आप इसमें से बूट इन्फो जो मेक NVRAM है बैकअप उसका ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं इसमें, और बैकअप फ्रेमवेयर जो है वो भी इसमें ले सकते हैं, रिमूव FRP और रीसेट जो यूजर डाटा एंड रिमूव FRP भी। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका यूजर डाटा, मिसाल है जो अगर पैटर्न या FRP लगा हुआ, दोनों रिमूव हो जाएंगे। ये वाइप जो इरेज जो है यूजर डाटा है, और वाइप यूजर डाटा है इसमें। और इसके बाद जो है अच्छी अपडेट है इनकी, कि इन्होंने नए मॉडलों का जो है इसमें ऐड किया है। उसके बाद इसमें जो है इसमें Realme, अभी मैं आपको दिखा रहा था Realme के, अब इसमें मॉडल देखते हैं तो ये Realme के, ये देखें इसमें मॉडल जो है ऐड किए गए हैं इसमें, जो मैंने आपको बताया था पहले भी थे इसमें ऐड कुछ, लेकिन अब इसमें कुछ किया गया। ये जो मॉडल हैं ये वाले, ये यहाँ से लेके ये 50i Prime से लेके ये तकरीबन C35 तक, यहाँ पर ये जो नई अपडेट आई, बल्कि ये भी बैड इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, इसमें जो है अब हम सैमसंग में जाएंगे। सैमसंग में जो है ये कीपैड वाले पहले इसमें ये जो दो फोन थे इसमें, उसके बाद इन्होंने इसमें ये जो है ये तीन, और ये इसके बाद जो है इसमें ये नई अपडेट दी गई है A032F से लेके A035M तक। तो ये इसमें आप जो है इसमें टूल वगैरह जो इसमें ये टूल है इसमें सैमसंग का भी दिया गया, और इसमें सारा कुछ दिया गया। देखें आप रीड फोन पासवर्ड भी इसमें अगर कोई लगा हुआ है तो रीड कर सकते हैं इसको, रेज भी कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद जो है अब आगे जाएंगे हम, जो आगे कुछ अगर है तो देखते हैं इसमें, लेकिन इसमें बस यही थी इसमें। इसके बाद हम Tecno को चेक कर लेते हैं कि Tecno के कितने मॉडल हैं। Tecno के भी इसमें अच्छे खासे जो मॉडल इसमें दिए गए हैं, और हम इसमें हवावे के होने चाहिए, हवावे के हमें एच में जो है वो नज़र नहीं आ रहे, शायद
तो हम जो है बस हम इसको जो है क्लोज़ करते हैं यहाँ पर। ऐसे जो आप बैग मोड के साथ जो है IMESN नंबर जो है यहाँ पर सिम 1, 2, 3, 4 जो सिमें वगैरह जिस पे फ़ोन पे होती हैं, जो 4 सिमों वाला है उस पे आप चारों IMEI जो है इसके रिपेयर कर सकते हैं और इसके बैटरी रिपेयर कर सकते हैं। वाईफाई भी हो गया, SN1 भी और 2 भी इसमें रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये देखें, अभी हम जो है डायग मोड में जाएंगे, सिम लॉक ऑप्शन में यहाँ पर आप रीड सिम लॉक इनको कर सकते हैं और रिमूव सिम लॉक भी इसमें से कर सकते हैं। बाकी इसमें ये फर्मवेयर जो है फ्लैशर है इसमें वो भी दिया गया है, ओपन बैक फाइल जो है वो इसमें ऐड है और ऐड ADB जो है इसमें फास्ट बूट भी है। ADB में करके आप इसको रीड इनफो भी कर सकते हैं, रीड पैटर्न इनफो भी कर सकते हैं, पार्टीशन, हाँ रीड पार्टीशन भी आप कर सकते हैं, रिमूव FRP और रिबूट जो है रिकवरी भी इसमें है। फास्ट बूट में रीड इनफो है, अनलॉक जो इसका बूट लोडर जो है उसको भी आप इसमें जो है ना कर सकते हैं, रिलॉक बूट लोडर भी है, अरेज FRP रिबूट फोन सब कुछ इसमें है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो को शेयर दोस्तों में ज़रूर कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी दोनों चैनलों को कर दें, एक न्यू शाहिन मोबाइल चैनल को और दूसरा जो न्यू GSM सही चैनल है उसको भी कर दें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, अल्लाह आपको आबाद शाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।